आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। देश का आम बजट पेश होने वाला है। बीते वित्त वर्ष में बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया था। ऐसे में इस बार उम्मीद है कि सरकार कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल इस्टेट, रक्षा, हॉस्पिटैलिटी और एमएसएमई सेक्टर समेत अन्य क्षेत्रों के लिए कोरोना के दौर में बड़ी घोषणाएं और राहत पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। और क्या कुछ खास हो सकता है, देखिए इस रिपोर्ट में। तो कई ऐसे देश का आम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना चौथा बजट पेश करने वाली है। इसके अलावा मोदी सरकार का ये 10वां बजट होगा। बीते वित्त वर्ष में बजट में टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया था। ऐसे में इस बार उम्मीद है कि सरकार कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, रक्षा, हॉस्पिटैलिटी, एमएसएमई सेक्टर समेत अन्य क्षेत्रों के लिए कोरोना के दौर में बड़ी घोषणाएं और राहत पैकेज का भी ऐलान किया जा सकता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा में इजाफा। बजट 2022 से वेतन भोगियों को इस बार बड़ी उम्मीदें हैं। दरअसल इनके लिए इस समय धारा 16 के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की रकम 50,000 रुपए निर्धारित है। लंबे समय से इसको बढ़ाकर 1,00,000 रुपए करने की मांग की जा रही है। वेतन भोगियों को उम्मीद है कि इसको बढ़ाया जाए। इसे बढ़ाए जाने से वेतन भोगियों को सीधा सीधा कर लाभ होगा। वर्क फ्रॉम होम अलाउंस टैक्स छूट। कोरोना के चलते ज्यादातर क्षेत्रों के कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ऐसे में उनका इलेक्ट्रिक, इंटरनेट चार्ज, किराया, फर्नीचर आदि का खर्चा बढ़ गया है। वहीं पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया ने भी वर्क फ्रॉम होम के तहत घर में काम करने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त कर छूट देने की मांग की है। इंश्योरेंस मेडिक्लेम और ATC में छूट। कोरोना के चलते बीते 2 साल में हेल्थ सेक्टर पर काफी फोकस बढ़ा है। बजट 2022 से उम्मीदें हैं कि लाइफ इंश्योरेंस को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C से बाहर किया जा सकता है और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए कोई एक लिमिट बढ़ाई जा सकती है। लाइफ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम इंश्योरेंस दोनों को नई कैटेगरी के तहत जोड़ा जा सकता है या फिर 80C के लिमिट को ओवरऑल बढ़ाया जा सकता है। ऐसा होने पर लगभग ज्यादातर करदाताओं को बड़ा फायदा पहुंचेगा। इंश्योरेंस पर GST से राहत। बजट में सरकार का ज्यादा जोर देश के करदाताओं पर रहने की संभावना है, क्योंकि पिछले कई बजट में करदाताओं के लिए कोई नई घोषणा नहीं की गई थी। इस बार के बजट में इंश्योरेंस मेडिक्लेम प्रीमियम पर लगने वाले GST कम करने की उम्मीद भी करदाताओं को है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि इस मांग को सरकार की ओर से बजट 2022 में शामिल किया जा सकता है। फिनटेक को कर राहत की आस। गैर बैंकीय वित्त कंपनियों NBFs और ऑनलाइन कर्ज देने वाली कंपनियों फिनटेक को इस साल बजट में कर राहत मिलने की उम्मीद है। कंपनियों का कहना है कि तरलता प्रभाव बढ़ाने के उपाय खुदरा क्षेत्र में काम करने वाली NBFC के लिए कम लागत वाली फंडिंग के साथ साथ GS और TDS पर छूट की शुरुआत हो सकती है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र को मिलेगी राहत। घरेलू ऑटोमोबाइल सेक्टर पिछले 2 दशकों के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। देश में कुल GDP में ऑटोमोबाइल सेक्टर का योगदान 7.5% है, जबकि यह प्रत्यक्ष और परोक्ष तौर पर 10 लाख लोगों को रोजगार देता है। इस क्षेत्र को नए निवेश के लिए तैयार करने का भी प्रोत्साहन चाहिए। खास तौर पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक समान टैक्स लगाने की व्यवस्था भी लागू करने की मांग की जा रही है। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा। विशेषज्ञों के अनुसार अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान शानदार ग्रोथ नजर आई है और देश फिर से विकास की राह पर अग्रसर है। अगर सरकार रिफॉर्म बनाए रखती है तो इससे 2022 में भी रिकवरी तेज होगी और इकोनॉमी बूस्टर का टेम्पो बना रहेगा।
स्टार्टअप गतिविधियों और सरकार के राहत पैकेज से भारत में इज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने, कर संरचना को तरल बनाने और लैंड लेबर लॉ में सुधार से इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे में सरकार इन उम्मीदों को कायम रखने का भी काम करेगी। प्रोत्साहन पैकेजों की उम्मीद। गौरतलब है कि पिछले वित्त वर्ष में केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को फिर से जीवंत करने के लिए कई प्रोत्साहन पैकेजों की भी घोषणा की थी। ऐसे में इस बार भी देश की अर्थव्यवस्था पर कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन वेरिएंट का साया है, तो उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी कुछ बड़े प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा वित्त मंत्री द्वारा की जा सकती है। रियल एस्टेट क्षेत्र को मिलेगा बूस्ट। इस साल का केंद्रीय बजट टैक्स और वेवर में कुछ प्रमुख छूट, रॉ मटेरियल पर जीएसटी में कटौती की पेशकश करके रियल एस्टेट क्षेत्र में सहायक भूमिका निभा सकता है। चूंकि यह क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में सबसे बड़े योगदानकर्ता में से एक है, इस क्षेत्र को मजबूत करने से संबद्ध आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे समग्र रूप से अर्थव्यवस्था को सकारात्मक बढ़ावा मिलेगा। विशेषज्ञों की माने तो लोगों ने कोविड के बाद के दौर में घर खरीदने के महत्व को महसूस किया है, जबकि सरकार ने स्टैंप ड्यूटी में कटौती, सबसे कम होम लोन दरों जैसे कुछ लाभ दिए हैं और समर्थन भी किया है। आगामी बजट को रियल एस्टेट क्षेत्र का समर्थन करना जारी रखना चाहिए, क्योंकि यह देश के सकल घरेलू उत्पाद में एक महत्वपूर्ण योगदान करता भी है। कोरोना मरीजों उनके परिवारों को राहत। कोरोना महामारी के चलते कई लोगों के रोजगार छिन गए तो कई की आय बिल्कुल कम हो गई थी। ऐसे में लोग बजट 2022 को उम्मीदों की तरह देख रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान कई कोरोना मरीजों व उनके परिवारों को केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, कंपनियों, दोस्तों और समाज सेवकों से वित्तीय सहायता मिली, लेकिन बहुत से लोगों को यह पूरी लड़ाई अपने बूते ही लड़नी पड़ी है। इसको लेकर विशेषज्ञों का कहना है, ऐसे लोगों को कोरोना के इलाज पर हुए खर्च पर डिडक्शन का फायदा देने पर भी सरकार विचार कर सकती है। ज्वेलरी उद्योग ने सामने रखी मांगे। आगामी 1 फरवरी को देश का जो आम बजट पेश किया जाएगा, उससे देश के करदाताओं समेत सभी को बड़ी उम्मीदें हैं। ज्वेलरी सेक्टर ने भी अपनी मांग सामने रख दी है। मांग की गई है कि इनकम टैक्स के 3 स्लैब रेट 10%, 15% और 20% से ऊपर नहीं होने चाहिए। सोना चांदी हीरे की खरीद बिक्री का लाभ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% से घटाकर 10% व शॉर्ट टर्म 30% से घटाकर 20% होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सुझाव दिया है कि क्रेडिट कार्ड पर कोई भी बैंक चार्ज नहीं लगना चाहिए। जीएसटी सेल्स टैक्स के तहत 1% होना चाहिए और सोना चांदी के आयात पर कस्टम ड्यूटी 4% होनी चाहिए। इससे इस क्षेत्र को बड़ी राहत मिलेगी। एमएसएमई को बजट से बड़ी उम्मीदें। कोरोना से सबसे प्रभावित एमएसएमई सेक्टर की मांग है कि जीएसटी की दरों को इस सेक्टर के लिए उपयुक्त बनाया जाए और इस सेक्टर के लिए टैक्स की दरों को कम किया जाए। उत्पादन में गिरावट, नौकरियों में कमी, राजस्व में कटौती जैसी कई समस्याओं का सामना एमएसएमई सेक्टर को पिछले 2 सालों से करना पड़ा है। ऐसे में एमएसएमई की सबसे बड़ी मांग है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी के दरों पर एक बार फिर से विचार किया जाना चाहिए। इनकम टैक्स के एटीडी सेक्शन में बदलाव। इनकम टैक्स के सेक्शन एटीडी के तहत वरिष्ठ नागरिकों को 50,000 रुपए तक के डिडक्शन का लाभ दिया जाता है। हालांकि यह फायदा उन्हें तभी मिलता है जब वो किसी हेल्थ इंश्योरेंस के तहत कवर नहीं है। इस बार के बजट में विशेषज्ञों का अनुमान है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट भाषण के दौरान सेक्शन 80D के तहत सभी उम्र के लोगों को डिडक्शन का फायदा देने पर विचार कर सकती हैं।
जो उन्होंने कोरोना संक्रमण के लिए खुद की या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के इलाज में खर्च किया हो। किफायती घर खरीदारों को राहत। सूत्रों का कहना है कि सरकार बजट 2022 में अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत पहली बार घर खरीदने वालों को ब्याज पर मिलने वाली 1.5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त छूट को एक साल तक के लिए बढ़ा सकती है। बता दें कि सेक्शन 80EE के तहत 45 लाख रुपए तक के मकान 1.5 लाख रुपए की होम लोन पर ब्याज चुकाने पर अतिरिक्त छूट मिलती है। पीपीएफ की सीमा 3 लाख होने की उम्मीद। वित्त मंत्री को पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ में निवेश की अधिकतम सीमा को मौजूदा 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए करने का सुझाव दिया गया है। ऐसे में पीपीएफ में निवेश की सीमा को बढ़ाए जाने से जीडीपी में घरेलू सेविंग की हिस्सेदारी को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। हेल्थ केयर क्षेत्र को आवंटन बढ़ाने की उम्मीद। कोरोना महामारी के इस दौर में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को उम्मीद है कि इस बजट में हेल्थ केयर सेक्टर के लिए कुल फंड आवंटन में बढ़ोतरी की जाएगी। इसके साथ ही व्यापार को आसान बनाने के लिए प्रक्रियाओं को सरल करने की भी उम्मीद की जा रही है। इस बार विशेषज्ञ कोविड-19 में बढ़ती असमानता को दूर करने के लिए वेल्थ टैक्स और विरासत कर को फिर से शुरू किए जाने की उम्मीद कर रहे हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की आस। हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र उन सेक्टर में शामिल है जिन पर कोरोना महामारी का सबसे ज्यादा असर हुआ है। इस महामारी के प्रकोप का खामियाजा भुगत रहे हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को बजट 2022 में एक बहाल जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट दिख रहा है। वहीं सेक्टर रेस्टोरेंट व्यवसाय को एक और लॉकडाउन से बचाने के लिए एक सिस्टम भी चाहता है। किसानों को मिल सकती है बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश के किसानों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को अभी 6000 रुपए सालाना रकम दी जाती है। वहीं 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जाने वाले बजट में इस राशि को बढ़ाए जाने का ऐलान हो सकता है। पीएम किसान योजना की राशि को बढ़ाकर 8000 रुपए भी किया जा सकता है। शेयर मार्केट की मांग। स्टॉक मार्केट प्लेटफॉर्म्स की भी बड़ी उम्मीद बजट पर टिकी हुई है। वे प्रतिभूति लेन देन कर में कमी चाहते हैं। शेयर बाजार के विशेषज्ञों का मानना है कि वित्त मंत्री को सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी खत्म कर देना चाहिए या इनमें कमी करनी चाहिए। क्रिप्टो करेंसी को लेकर संभावना। सरकार आगामी आम बजट में क्रिप्टो करेंसी की खरीद बिक्री को कर के दायरे में लाने पर भी विचार कर सकती है। कर विशेषज्ञों की माने तो सरकार इस बजट में एक निश्चित सीमा के ऊपर क्रिप्टो करेंसी की बिक्री और खरीद पर TDS या फिर TCS लगाने पर विचार कर सकती है। उन्होंने कहा कि इस तरह के लेन देन को विशेष लेन देन के दायरे में लाया जाना चाहिए। विमानन उद्योग की उम्मीद। विमानन उद्योग कम से कम 2 वर्ष के लिए छूट और न्यूनतम वैकल्पिक कर के निलंबन की उम्मीद कर रहा है। इसके अलावा महामारी प्रभावित एयरलाइंस भी न्यूनतम वैकल्पिक कर को निलंबित करना चाहती है। कोरोना महामारी ने विमानन क्षेत्र को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। FMCG क्षेत्र की मांग। FMCG क्षेत्र की इच्छा है कि सीतारमण लोगों के हाथों में पैसा देना जारी रखे, खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में। इस क्षेत्र की ओर से विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद वित्त मंत्रालय को अपने सुझाव भेजे गए हैं।
क्षेत्र को उम्मीद है कि वित्त मंत्री इस ओर विशेष ध्यान देंगी। इस साल केंद्र सरकार का ध्यान कोविड-19 महामारी से अर्थव्यवस्था को उभारने और देश के आर्थिक सुधार में तेजी लाने का है। ऐसे में आगामी बजट में जो उम्मीदें हो रही हैं, वो कितनी कारगर साबित होती हैं, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। प्राइम टीवी के लिए अनुष्का सिंह की रिपोर्ट। आगामी बजट में सरकार शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकती है, उसके बुनियादी ढांचे को भी सुधारने के लिए कुछ नए बदलाव कर सकती है। इसके साथ ही आम जनता को जो है आगे की सुविधाएं देने के लिए कुछ बदलाव कर सकती है, जैसे राजमार्ग, रेल मार्ग और साथ ही हवाई मार्ग, इन सभी को देखते हुए भी कुछ घोषणाएं कर सकती है। वहीं पिछली बार की तरह इस बार भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं में भी कुछ बदलाव करके इसको और बेहतर बनाने की कोशिश की जा सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।